been quite some time. So what do you have to say about it? I'm really happy with the association, and I'm really glad that Mufti Cheche Kartik ke saath yahan pe saath mein aaye the. And main khud matlab yahan pe aake bahut excited hu, Mufti ke saath, association ke saath bahut zyada excited hu. So I'm just happy the kind of interaction that I have with everyone because of Mufti is something I really look forward to. Hamesha main aap logon se milta hu, yahan pe aapke paas aata hu.
sir. आपको star आदमी आपको मालूम है कहाँ नुकसान है? अरे नहीं sir. ये super stardom आपको कैसा लग रहा है? हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है जो भी जिस तरीके से जब जब फैंस ऐसे रिएक्ट करते हैं और आज जो फैन इंटरेक्शन फैंस का इंटरेक्शन था उनके साथ था मतलब आई एम स्पीचलेस यहाँ पे मुंबई में ऐसा क्राउड देख के ऐसा ऑडियंस देख के ऐसा इनके साथ इंटरेक्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इनफैक्ट जिस तरीके से हम लोगों ने पूरा इवेंट अभी किया आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली मतलब मैं आई एम थैंकफुल टू गॉड कि इतना ये सब जो देख रहा हूँ वो बहुत बहुत खुश हूँ मैं इन सब चीज़ों जी सर आप ऑफकोर्स मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड आई मीन मुफ्ती एक कैजुअल वेयर ब्रांड है और अपैरल ब्रांड है जो मतलब मेरे फैशन सेंस के हिसाब से मेरे से बहुत जुड़ा हुआ लगता है सो आई वॉज रियली एक्साइटेड जब मेरे साथ ये एसोसिएशन चालू हो रहा था एंड ऑलमोस्ट हम लोग का एक साल होने आ गया है एंड जितने भी आज तक हम लोगों ने इसके चाहे शूट्स किए हैं चाहे प्रमोट किया है चाहे इंट्रैक्शन किए हैं वो हमेशा से बहुत बड़े लेवल पे हिट हुए हैं सो आई एम रियली हैप्पी विथ टुडेज इवेंट ऑल्सो एंड दिस एसोसिएशन ऑल्सो फर्स्ट लग्जरी परचेज मतलब इन टर्म्स ऑफ अपैरल कपड़े मेरे लिए काफ़ी मैं बहुत ज़्यादा हुडीज़ कलेक्ट करता रहता हूँ तो वो मेरे लिए काफ़ी एक मतलब मैं मुफ्ती के भी मैंने काफ़ी हुडीज़ ऐसे कलेक्ट किए थे बचपन में मैं जब ये आया था तो मैंने वो भी किया एंड इनफैक्ट मैं शूज़ रिसेंटली मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके अलावा मुफ्ती और साथ साथ हम्बल भी दोनों चीज़ों को मैं बहुत मैं जंकी की तरह मतलब ख़रीदता रहता हूँ ये चीज़ें जी सर हाँ जिम में हाँ फ्लैग हाँ फ्लाइट में हाँ किस तरह के कपड़े पहनता हूँ जब मैं फ्लाइट्स पे जाता हूँ अगेन मैं आपको ज़्यादातर हुडीज़ में दिखूँगा या फिर ट्रैक पैंट्स में दिखूँगा मेरे ज़्यादातर कपड़े वो बहुत चिल्ड आउट वाइब होती है जैसा मैं हूँ वैसे ही मैं कपड़े पहनता हूँ कंफर्टिंग रिलैक्सिंग रहता है एंड हमेशा से वो ही रहा है और हमेशा रहेगा भी शायद जी सर पार्ट लगता हूँ अभी ऐसा फील होता है कि इंडस्ट्री का पार्ट हूँ एक अहम हिस्सा बन रहा हूँ और अभी भी बहुत आगे जाना है मेरे को कॉन्फिडेंस आता है जिस तरीके से दोनों फिल्में लास्ट सोनू के डिटू की स्वीटी फिर लुक्का छुपी जिस तरीके की सक्सेस रही है ये दोनों फिल्म्स लास्ट दो डेढ़ साल में तो वो एक कॉन्फिडेंस आता है एज एन एक्टर कि आगे मतलब जो भी चॉइसेस हैं जो भी चॉइसेस कर रहा हूँ एज एन एक्टर स्क्रिप्ट चूज़ कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं एक वैलिडेशन मिलता है एज एन एक्टर कि चूज़ सही कर रहा हूँ एंड आगे भी सोच रहा हूँ कि इम्तियाज़ सर की फिल्म एंड पति पत्नी और वो भी उतनी ही तरीके से और अच्छे तरीके से चले नहीं यार ए सी चल रहा था इसलिए कार्तिक मैं बोल रहा था कि आपने यंगस्टर्स में काफ़ी वो बना ली इमेज जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं एक्टर्स हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि आप शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे एक बार आप मोदी जी से मिल के आए हैं तो हम लोग सोच रहे थे कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह में आप भी शामिल होंगे दिखे नहीं लेकिन आप जी सर मेरा कुछ फैमिली मैं मतलब मेरा कुछ उस मैं उस टाइम पे यहाँ पे नहीं था और मैं नहीं आ पाया था एंड आई एम रियली 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 ग्लैड कि जिस तरीके से कल ये हुआ एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फाइव इयर्स नेक्स्ट फाइव इयर्स मतलब मोदी जी का आने से फिल्म इंडस्ट्री को फायदा होगा आप लोग जिस तरह से इंटरेक्ट किया था आप लोगों ने जाकर दिल्ली में जी बिल्कुल हो बिल्कुल हो कार्तिक आपने सारे रिश्तों को अभी तक किसी रिश्ते को हाँ नहीं कही हमने ऐसा सुना है की बात आती है ना आपके इन दिनों हम लोग सुनते हैं जी आपकी तरफ से जैसे कई लड़कियां आपको पसंद करती हैं और ये सब बातें जो सामने आई हैं पर आपने अभी तक किसी को हाँ नहीं कहा है चाहे वो सारा हो अनन्या हो या जी आई एम अ ममाज बॉय
हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। आई एम अ ममाज बॉय। ममाज बॉय हाँ हाँ। कब चॉइस करेंगे अब आप? मेरे को समझ नहीं आ रहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू 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 थैंक यू। मैं बहुत अच्छे तरीके से वर्ल्ड कप एंजॉय करने वाला हूँ। मैं आई एम रियली रियली आई रियली विश ऑल द बेस्ट टू आर इंडियन क्रिकेट टीम एंड वर्ल्ड कप के लिए बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ और हम लोग को वर्ल्ड कप लेकर आना है। थैंक यू।